एचपीसीए के मामले पर भाजपा सरकार अब आम जनता के साथ पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल और सुप्रीम कोर्ट को भी गुमराह कर रही है। ये बात अब पूर्व एडवोकेट जनरल विनय शर्मा ने पालमपुर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कही। शर्मा ने कहा कि भाजपा एचपीसीए को पॉलिटिकल मोटिवेटेड बताकर केस वापस लेने की बात कर रही है, जबकि 2014 में आए हाईकोर्ट के फैसले में साफ है कि ये मामला पॉलिटिकल मोटिवेटेड नहीं है। मामले में हुई जांच के बाद ही इसमें विभिन्न धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी। अब सवाल ये है कि क्या सरकार सही बोल रही है या फिर हाईकोर्ट के फैसले की अवमानना हो रही है। शर्मा ने कहा कि इस मामले में एक हैरानीजनक पहलू ये भी है कि सरकार से जुड़ा एक अधिवक्ता जो एक उच्च पद पर तैनात किया गया है, सरकार के खिलाफ लड़ने की अनुमति मांगता है और सरकार में बैठे अक्षम अधिकारी ऐसी अनुमति दे देते हैं। ये उच्च पद अधिवक्ता एक ओर सरकार के केसों की पैरवी कर रहा है, जबकि दूसरी ओर सरकार के खिलाफ भी केस लड़ रहा है। शर्मा ने कहा कि हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा एचपीसीए ने खटखटाया है, जबकि सरकार फिर से इस तरह के गुमराह करने वाले बयान कैसे दे रही है। अभी देखिए, आज आपके सामने जो मुद्दा है वो ये है कि सरकार जो है वो एचपीसीए के मामलों में, जैसा आपने सुना कि केसेस को विड्रॉ करना चाहती है इस बिना पर कि वो केसेस जो हैं वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। सरकार का ये मानना है कि एचपीसीए के ऊपर जो भी केस हुए हैं वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। इसके जो सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त मैटर पेंडिंग है उसके बारे में हाई कोर्ट ने 2014 में फैसला किया था कि ये जो केसेस एचपीसीए के खिलाफ हैं ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड नहीं है। इसमें इन्वेस्टिगेशन हुई है, इन्वेस्टिगेशन में ये मामला उठ के सामने आया है। प्राइमा फिशाई जो है वो लग रहा है कि एचपीसीए ने इसमें गड़बड़ियां की हैं, इसलिए वो मैटर जो है उसके ऊपर विभिन्न धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज हुई। जैसे ही हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने उनकी एफआईआर क्वैश करने की जो एप्लीकेशन थी वो खारिज की, उसी दिन स्पेशल कोर्ट धर्मशाला में सरकार की तरफ से चार्जशीट जो है वो फाइल कर दी गई थी। उसके खिलाफ मामला जो है एचपीसीए सुप्रीम कोर्ट ले गई। अब सरकार कह रही है कि ये मामले जो हैं पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैं। अब सवाल आता है कि क्या सरकार सही बोल रही है या हाई कोर्ट? हाई कोर्ट जब इस मामले में फैसला सुना चुका है कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस नहीं है, इसमें इन्वेस्टिगेशन हुई है, उसके बाद एफआईआर दर्ज हुई है, तो कैसे कहा जा सकता है सरकार द्वारा कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस हैं?